नमस्कार दोस्तों, मैं भोलेनाथ पांडे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, इस समय मैं चैनल के ऊपर आप सभी के साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने कोई चैप्टर में डिटेल में तो आप सभी को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं चैप्टर वाइज रिविजन इस समय मैं चैनल पर करा रहा हूं। आज उसी सीरीज में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th रिविजन। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, और डिस्कस नहीं करने वाले मतलब पढ़ने वाले नहीं है इसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। मतलब ये केवल एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपरली रिवाइज करा दूंगा आप सभी को प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना समय गवाए आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी की वो इंफॉर्मेशन, जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में वो चीज़ें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जिसमें आपको जानना है वो यही जानना है भैया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी कहते किसको है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि प्रोबेबिलिटी किसको कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आप सभी हालांकि अगर पढ़े होगे चैप्टर को तो जानते ही होगे, फिर भी मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है एक मेथड होता है, एक मतलब कह सकते हो आपकी एक ऐसा तरीका जिससे किसी घटना के घटित होने का आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। ये जो है एक मतलब मेथड होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि न्यूमेरिकली जो है आप मेजर कर सकते हो कि कोई घटना घटित होगी उसकी क्या संभावना है। न्यूमेरिकली मेजरमेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। किसी इवेंट के होने का एक न्यूमेरिकली मेजरमेंट होता है प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या करता है, किसी इवेंट के होने का क्या संभावना है उसको न्यूमेरिकली हम लोग मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी के द्वारा। तो ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है जो आपको दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में जो है रखिए। इसके बाद जो आपको प्रोबेबिलिटी में जानना है वो है एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो सो एक्सपेरिमेंट तो आपने बार बार सुना होगा, एक्सपेरिमेंट आप साइंस के स्टूडेंट हो तो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने बार बार सुना होगा। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब वो होता है कि जिसका कुछ डिफाइंड आउटकम हो, कुछ क्या हो, डिफाइंड आउटकम, जिसका कुछ डिफाइंड क्या हो दोस्तों, आउटकम हो। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई प्रोसेस जिसका कुछ डिफाइंड आउटकम होगा उसको आप एक्सपेरिमेंट बोलोगे। जैसे यदि आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब ये एक डिफाइंड आउटकम है। इसका मतलब टॉसिंग द कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, कॉइन को टॉस करना क्या है, हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इसको आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। आप एक डाई को फेंकते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई नंबर आता है, तो ये सारे के सारे डिफाइंड आउटकम्स हैं। तो इसका मतलब थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, डाई को फेंकना भी एक क्या हो सकता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। आइए इसके बाद क्या समझना है उसको जानते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को जानना है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ आपको समझनी है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि भैया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जिसके पॉसिबल आउटकम तो आपको पता हो, कहने का मतलब क्या है कि पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम जो है वो नोन हो, वो क्या हो, नोन हो, लेकिन जो आउटकम आने वाला है, मतलब एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, कहने का मतलब जिसका पॉसिबल आउटकम तो आप सभी को पता हो कि क्या होता है, लेकिन एग्जैक्ट इस बार क्या आने वाला है वो आपको ना पता हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कैसे, आप यूं कह लो कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पता होता है कि या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, हेड और टेल में से कोई आएगा ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली इस बार क्या आएगा उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन
नहीं है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे जिसके सारे के सारे पॉसिबल आउटकम आप सभी को पता हो। जैसे आप किसी डाई को फेंकते हो, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई नंबर आएगा, ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली इस बार कौन सा नंबर ऊपर आएगा इसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ये आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है इवेंट। वो क्या है? इवेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के कुछ या सारे के सारे आउटकम का आप कलेक्शन बना दोगे तो उसको आप क्या बोलते हो दोस्तों, उसको आप इवेंट बोल सकते हो, उसको आप क्या कहते हो, इवेंट कहते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट। इसके बाद जो आप सभी को टर्मिनोलॉजी जानना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इक्वली लाइकली इवेंट, एक ये भी टर्म जो है यूज होता है, तो रिवीजन कर रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं कि भैया इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी यदि क्वाइन है जो अनबायस्ड है, अनबायस्ड का मतलब ये है कि जैसे क्वाइन रहता है वैसे है, उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई है कि हेड ज़्यादा बार आए या टेल्स ज़्यादा बार आए। मीन्स हेड्स और टेल्स के आने की जो संभावना है वो नेचुरल है, ठीक है। तो हेड और टेल्स के आने की संभावना चूंकि नेचुरल है तो उसको आप बोलोगे इक्वली लाइकली इवेंट है वो, ठीक है। मतलब जितनी संभावना हेड्स के आने की है उतनी ही संभावना टेल्स के आने की है, इसलिए आप उसको इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हो। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि सपोज करो आपके पास कोई डाइस है, उस डाइस के साथ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई है, कुछ ऐसा नहीं किया गया है कि बार बार 5 ही आए या 4 ज़्यादा बार आए या 1 जो है वो कम बार आए या आए ही ना, मतलब ऐसा कुछ बाहर से उसका एक्सटर्नल बनावट नहीं बनाया, मतलब एक्सटर्नली उसको बाहर से कुछ डिफॉर्म नहीं किया गया है ताकि कोई एक नंबर ज़्यादा बार आए कोई एक नंबर कम बार आए, ऐसा कुछ उसमें नहीं किया गया है, अनबायस्ड है बिल्कुल, तो उसके जो इवेंट्स होंगे उसके जो आउटकम्स होंगे उनके कलेक्शन को आप इक्वली लाइकली इवेंट वो जो है बोल सकते हो, ठीक है। मतलब इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि जो भी आउटकम आ रहे हैं वो अनबायस्ड सोर्स से आए, किसी बायस्ड सोर्स से ना आए, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आप सभी को समझना है श्योर इवेंट, एक टर्म है यूज होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट कहते हैं उसको। श्योर इवेंट का मतलब होता है जो पक्का फॉलो हो, जो पक्का आए उसको श्योर इवेंट कहते हैं, मतलब जो फिक्स्ड हो, ठीक है, जो आए ही उसको श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने किसी क्वाइन को टॉस किया तो मैं बोलूंगा कि या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा, तो ये तो भैया श्योर इवेंट है ना कि हेड आएगा या टेल आएगा। या एक और अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि एक डाई को मैंने थ्रो किया और मैं बोलूंगा कि जो भी नंबर आएगा विल बी लेस देन 7, 7 से छोटा कोई नेचुरल नंबर आएगा। मैं अगर ऐसा बोला कि भैया इस डाइस को आप फेंकोगे तो 7 से छोटा कोई नेचुरल नंबर आएगा, तो 7 से छोटा कोई नेचुरल नंबर आना इज श्योर इवेंट, क्योंकि पक्का है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं में से कोई आएगा। तो इसका मतलब मैं बोला कि लेस देन 7 कोई नेचुरल नंबर आएगा तो वो जो है वो श्योर इवेंट है कि हाँ पक्का लेस देन 7 कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक। एक और इसी से रिलेटेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये होता है कि जो कभी आए ही ना,
ठीक है, जो कभी पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर आप एक डाइस को फेंकते हो तो ग्रेटर देन 7 नेचुरल नंबर आएगा, तो ग्रेटर देन 7 नेचुरल नंबर आने की कोई संभावना ही नहीं है। या ग्रेटर देन 6 नेचुरल नंबर मैं बोल दूं तो ग्रेटर देन 6 भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, बिकॉज यदि आप एक डाई को फेंकते हो देन यू विल गेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कहने का मतलब ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो पक्का है कि आएगा ही नहीं, पक्का है जो हो ही नहीं सकता, अकरेंस जिसका जीरो है, जो जिसकी संभावना ही कोई नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी जो आपको जानना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी आपको नहीं समझाई, ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आप सभी के सामने जो है रखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होते हैं, डिफिनेशंस के तौर पे भी आपको इतना दिमाग में बात को रखना चाहिए। अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे यदि हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चंस जो है वो तीन तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस होते हैं कॉइन से, ठीक है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कॉइन से। एक क्वेश्चंस होते हैं डाई से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉइन से रिलेटेड, डाई से रिलेटेड, या फिर कार्ड से रिलेटेड। मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछता है उसमें या तो कॉइन रहेगा या डाइस रहेगा या कार्ड्स रहेगा, हालांकि इसके अलावा बॉल भी रहते हैं और भी चीज़ें रहती हैं, नंबर्स भी रहते हैं, लेकिन ये तीन जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन करना होगा, थोड़ा इनके बारे में समझना होगा कि इनको कैसे हम लोग बना पाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं जब दो या दो से अधिक डाइस को फेंका जाए, जब दो या दो से अधिक कॉइन्स को फेंका जाए, एक या दो डाइस को फेंका जाए, या किसी जो 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से जो है हम लोग किसी मतलब पत्ती को निकालते हैं, ताश की किसी पत्ती को, किसी एक कार्ड को खींचते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के पहले हमको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा, थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जैसे कॉइन्स है, तो कॉइन, दो कॉइन को टॉस किया आपने, तीन कॉइन को टॉस किया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे, उन आउटकम्स का यदि आप कलेक्शन बना दोगे तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं सैम्पल स्पेस। क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका यदि आप कलेक्शन निकाल दोगे देन इट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो इवेंट में भी आपने बताया, तो इवेंट में देखो लिखा है सम और ऑल। यहाँ पे सम भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि मतलब पॉसिबल यदि चार है उसमें से दो भी आपने लेके कलेक्शन बना दिया देन आप उसको इवेंट बोल सकते हो, लेकिन सैंपल स्पेस में क्या करना होगा, पक्का जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे वो सारे के सारे आप सभी को इंक्लूड करने होंगे, देन यू कैन से दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्वाइन, डाइस और कार्ड के केस में सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे। जब हमको सैंपल स्पेस बनाना आ जाएगा देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी आइदर रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स आर एनी अनदर क्वेश्चन। कोई और भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अनदर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा आसान होता है। इन टाइप्स में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमको मेमोराइज करनी होती है, कुछ बातें हमको याद करनी होती हैं, इसलिए इनका हम आपके साथ सैंपल स्पेस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वाला वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें रैंडम किस्म के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे आपको सैंपल स्पेस भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर्म करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, और साथ साथ में प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें भी वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों हम लोग सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं कॉइंस, डाइस और कार्ड्स के केस में। आइए देखते हैं हम लोग कॉइन के केस में पहले हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन, ठीक है, कॉइन के केस में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वाइन जो है, क्वाइन में हमको ये बताइए कि पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है। तो क्वाइन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम दोस्तों दो ही होता है। यदि आप एक क्वाइन को टॉस करोगे देन यू विल गेट ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, ठीक है। एक क्वाइन को टॉस करने में या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो जब कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूछे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड एन टाइम्स और
n coins are tossed one time, ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस आप दिमाग में रखिए. मैं बोला हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स, ठीक है, और एन कॉइन्स आर टॉस्ड वन टाइम, ठीक है. ये बात थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हम एन कॉइन को एक बार टॉस करें या एक कॉइन को एन बार टॉस करें, बात हमेशा एक ही रहती है. कहने का मतलब ये है कि आप दो कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को दो बार टॉस करो, बात एक ही है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी आपको उतने ही मिलेंगे और जो जो आउटकम्स मिलेंगे वो आउटकम्स भी सिमिलर होंगे, ठीक है. तो पहले तो आप दिमाग में ये बात बिठा लो कि तीन कॉइन को आप एक बार टॉस करो या एक कॉइन को आप तीन बार टॉस करो, बात एक ही है. अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स, मतलब एन टाइम यदि किसी कॉइन को टॉस किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, या फिर यहाँ पे लिखा है कि एन कॉइन्स आर टॉस्ड वन टाइम, कि एन कॉइन को यदि एक बार टॉस किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लो. फॉर्मूला क्या है इसका, द रिजल्ट इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 2 to the power n, दिस द रिजल्ट 2 to the power n. कहने का मतलब यदि किसी कॉइन को आप एक बार टॉस करोगे, ठीक है, यदि किसी कॉइन को आप एक बार टॉस करोगे तो आपको कितने फेवरेबल कितने टोटल आउटकम मिलेंगे, दो मिलेंगे. हो सकता है आप दो बार टॉस करो तो 2 2 जा आपको 4 मिल सकते हैं, आप हो सकता है तीन बार टॉस करो तो आपको 8 आउटकम मिलेंगे. तो पहले तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को फाइंड करने के लिए, व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स और एन कॉइन्स आर टॉस्ड सिंगल टाइम्स या वन टाइम, ठीक है. तो ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को फाइंड करने के लिए है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमको मिल सकते हैं जब एन कॉइन को एक बार या एक कॉइन को एन बार हम लोग टॉस करते हैं, तो ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि उन पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो मानिए कि मान लीजिए पहली एक बार हम लोग यदि किसी कॉइन को टॉस करते हैं देन रिजल्ट क्या होगा, बताइए. एक बार आप टॉस करोगे तो या तो हेड मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा. आप अगर दो बार टॉस करोगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे आपको, 2 का पावर 2 इक्वल टू मिल जाएगा 4. तो आप क्या करो, दो बार टॉस करोगे तो टोटल 4 है, तो दो बार हेड लिख लो और दो बार क्या लिख लो, टेल्स लिख लो. फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल. तो यहाँ पे आपको क्या मिला, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये आपको जो मिल गया ये पॉसिबल आउटकम्स मिल गए आपको, ये 4 मिल गए, ठीक है. इसी तरीके से आप एक और तरीके से बना सकते थे जिसको हम लोग ट्री मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्री मेथड. इसमें क्या होता है, आपको कॉइन दो बार टॉस करना है तो एक बार टॉस करोगे तो हेड आ सकता है या टेल्स आ सकता है. अब जब दोबारा हेड आएगा तो भी एक बार टॉस करोगे तो हेड या टेल आ सकता है, या टेल आया तो भी एक बार टॉस करोगे तो हेड या टेल आ सकता है. अब आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, हेड 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 के साथ एक बार टेल लिख लोगे, टेल हेड और टेल के साथ एक बार टेल लिख लोगे, टेल टेल, ठीक है. तो देखो यहाँ पे भी हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल मिला है और यहाँ पे भी हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आप सभी को मिला है. तो चाहे आप इस मेथड से करो कि भैया चार बार यदि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आए हैं तो दो बार हेड लिख लो पहले, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, एंड देन दो बार टेल लिख लो, फिर 2 का आधा 1 होता है तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ऐसे फाइंड कर लो. या फिर आप एक बार टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा, हेड आए तो भी एक बार टॉस करना होगा आपको, देन हेड और टेल में से कोई आ सकता है, टेल्स आए तो भी एक बार आप सभी को टॉस करना होगा, हेड और टेल्स में से कोई आ सकता है, फिर हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, आप इस तरीके से जो है फाइंड कर सकते हो पॉसिबल आउटकम्स को व्हाइल इन द केस ऑफ द टॉसिंग द कॉइन. अब दोस्तों मान लीजिए इसी तरीके से हम लोगों को फाइंड करना हो कि तीन बार यदि किसी कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो कौन कौन से हमको पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं. तीन बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे 2 का पावर 3, कहने का मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8. तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है. तो 4 बार आप हेड लिखोगे और 4 बार आप क्या लिखोगे, टेल से लिखोगे. अब 4 का आधा 2 होता है तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल्स. फिर 2 का आधा 1 होता है तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल. तो ये आपको यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स जो है
इस तरीके से मिल जाएंगे दोस्तों। कितने मिल गए ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे ही होंगे। तो ये 8 आपको पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे व्हेन आप जो है 8 बार मतलब एक कॉइन को 3 बार टास्क करो या 3 कॉइन को 1 बार टास्क करो, यही आपको आउटकम जो है मिलेंगे। अब इस चीज़ को आप ट्री मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। ट्री मेथड से कैसे फाइंड करोगे, तो यदि मान लो आप पहली बार टॉस किया तो आपको मिल गया हेड और टेल, अब दूसरी बार आप टॉस करोगे तो हेड टेल मिल सकता है, ये देखिए हेड टेल यहाँ पे भी मिल सकता है। अब तीसरी बार आप हेड आया तो भी टॉस करोगे हेड टेल, हेड टेल और यहाँ पे भी हो जाएगा हेड और टेल, और ये टेल आया तो भी हो जाएगा हेड और टेल। अब मिला के लिख लो तो हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा और हेड टेल टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 आपको आउटकम्स मिल गए। तो या तो आप इस मेथड से फाइंड कर लो या इस मेथड से फाइंड कर लो, आपको जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे किसी 3 कॉइन को 1 बार टॉस करने पे या 1 कॉइन को 3 बार टॉस करने पे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ से तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो फाइंड कर ही सकते हो। तो मोस्टली दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 बार किसी कॉइन को टॉस करा के आप सभी के सामने सैंपल स्पेस प्लॉट किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप सभी को कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, और आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए कि यदि किसी कॉइन को 4 बार टॉस किया जाए, 4 बार टॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 टोटल आउटकम्स बनेंगे, तो उसका सैंपल स्पेस आप कैसे प्लॉट करोगे, आप प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसको सॉल्व करके आप सभी को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कॉइन के बारे में। कॉइन के बारे में आप सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग में रखनी है कि कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप कैसे फाइंड करोगे एंड कॉइन और कॉइन के लिए आप सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, डाइस का बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डाइस का, डाइस के केस में हमको क्या करना है। तो डाइस के केस में दोस्तों आप एक डाइस को यदि आप फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या मिलेगा आपको, एक डाइस को यदि फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स आप सभी को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो अ डाई n times or n dice 1 time, कितना हो जाएगा, 6 का पावर n हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का पावर n। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप एक बार फेंकोगे तो आपको 6 आउटकम मिलेंगे, आप 2 बार फेंकोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 6 का पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या है, मैक्सिमम जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है वो या तो एक बार फेंका रहेगा डाई को या 2 बार मैक्सिमम फेंका रहेगा। 3 बार अगर आप फेंकोगे तो देखोगे 36 × 6 मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। आई होप आप कैलकुलेट कर लेना। तो 216 आप तो 216 प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपके लेवल में जो है वो केवल 1 और 2, कहने का मतलब कि केवल एक बार या तो डाइस को फेंका रहेगा या डाइस को 2 बार मैक्सिमम फेंका रहेगा। आप ही के लेवल में नहीं, इवन आईटी लेवल तक जो डाइस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं प्रोबेबिलिटी में, उसमें मैक्सिमम जो है डाइस को 2 ही बार फेंका रहता है। तो हम लोग भी एक बार में, तो यदि एक बार डाइस को फेंकोगे देन 1 2 3 4 5 6 आप सभी को आउटकम मिलेगा, इसके बारे में देख लिया। अब 2 बार यदि हम लोग डाइस को फेंकेंगे तो कैसे हम लोग आउटकम उसका लिखेंगे, जो 36 आउटकम है उन 36 आउटकम्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। आइए उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं सैंपल स्पेस जब आप एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको। आइए देखते हैं क्या करना है आपको, 1 to 6 नंबर ऐसे लिख लो आप हॉरिजॉन्टली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप ऐसे ही इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लो वर्टिकली। ठीक है,
ऐसा, ठीक। अब आप क्या करो, इसमें नंबर भरना शुरू करो। देखो आप यदि मान लो कि पहली बार आपने टॉस किया, तो इसको यदि आप मान रहे हो कि चलो ये मेरा फर्स्ट है, पहली बार डाई को फेंका होगा तब, और दूसरी बार फेंका होगा तो इसको ले लिया आपने, तो ठीक है, पहले इसके आउटकम्स को लिखना, फिर इसके आउटकम्स को लिखना। तो वन वन, टू वन, थ्री वन, फोर वन, फाइव वन, सिक्स वन, ठीक है, वन टू, टू टू, थ्री टू, थ्री फोर, सॉरी फोर टू, फाइव टू, सिक्स टू हो जाएगा। इसी तरीके से वन थ्री, ठीक है, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, ठीक है, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, ठीक है, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, ओके, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, और सिक्स सिक्स, ये आपको मिल गए टोटल 36। गिन लो आप, सिक्स इंटू सिक्स विल बी 36। अब इस तरीके से आप सैंपल स्पेस को प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने माना है कि चलो मैंने एक डाई को दो बार फेंका है, पहली बार फेंका तो 1 to 6 ऐसे सजा दिया, दूसरी बार फेंका तो 1 to 6 ऐसे सजा दिया, तो यहाँ पे इस बेस पे मैंने आउटकम्स को जो है अरेंज कर लिया। अब दोनों एक ही बात है, एक डाइस को आप दो बार फेंको या दो डाइस को एक बार फेंको, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देखो हेल्प क्या मिलता है कि जैसे आप एक चीज यहाँ पे बड़ा सिमेट्री देख सकते हो कि जैसे आप मान लीजिए आपको क्या चाहिए कि दोनों डाइस पे सेम नंबर प्रेजेंट हो, मतलब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, तो आप देखोगे कि ये जो 1 1 वाला लाइन आपने पकड़ा, आप ऐसे चले जाओगे तो आपको जो है बिल्कुल 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 मिल जाएगा। आपको हो कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स है उसका सम 7 हो, तो कोई एक 7 सम ले लिया, मान लो 6 + 1 = 7 होता है, तो इसी को लेके यदि आप लाइन खींच दोगे तो जितने नंबर्स आपको मिलेंगे उनका सारा का सारा जो है सम जो है 7 होगा। देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, तो यहाँ पे कोई एक आपने पकड़ लिया कि चलो मान लो आपने यही 3 मतलब 34 पकड़ लिया, 34 नहीं कहना चाहिए, 3 4 पकड़ लिया कि एक पे 3 आया, एक पे 4 आया, तो इसका सम 7 हो गया। तो इसी को लेके आप लाइन खींच दोगे तो जितने भी नंबर्स आप सभी को मिलेंगे ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे उनका जो सम होगा वो 7 होगा। मान लो आपने सम 8 ले लिया, तो 8 सम लेगो तो 6 + 2 8, तो अब इसको लेके आप लाइन खींच दो, जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे वो सब के सब, देखो 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 4 8, 3 4, 3 5 8, 2 6 8, तो ये सब के सब जो है आपको 8 मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा दो डाइस को फेंकने पे जो 36 आउटकम आया उनका सैंपल स्पेस, इस तरीके से आप बना सकते हो, और यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कर सकते हो यदि किसी डाइस को एन टाइम फेंका जाए या एन टाइम को यन डाइस को 1 टाइम फेंका जाए। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आप निकाल सकते हो। और हाँ, आपके सिलेबस में केवल डाइस को या तो एक बार फेंक के क्वेश्चन देगा या तो दो बार फेंकना होगा, 3 बार नहीं फेंकना होगा, बिकॉज प्लॉटिंग 2 to 16 आउटकम्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ये मामला थोड़ा टफ हो जाता है। तो दोस्तों इतनी बातें हैं जो डाइस के सैंपल स्पेस में आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सो आइए देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स आप जानते हो, प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं, जो 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं दोस्तों, उसको आप पहले तो कैटेगराइज कर सकते हो 26 कार्ड्स में, 26 कार्ड्स, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे 26 कार्ड्स। ये जो 26 कार्ड होते हैं, ये एक 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, बाकी जो नेक्स्ट 26 होते हैं वो रेड होते हैं। अब इस 26 को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, इसमें जो 13 कार्ड होते हैं ब्लैक में वो स्पेड होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 13 होते हैं उसको हम लोग क्लब कहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वो क्लब होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 13 कार्ड जो रेड में होते हैं हर्ट होते हैं, और जो रिमेनिंग 13 होते हैं उसको आप डायमंड कहते हो। क्या कहते हो? डायमंड कहते हो, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 13 कार्ड है इनका यदि फर्दर कैटेगराइजेशन देखा जाए तो इसमें एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है एस 2 3 4 अप टू 10, फिर होता है किंग
क्यू यू डबल ई एन क्वीन और जो है जैक। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है एस टू थ्री अप टू टेन किंग क्वीन जैक, और सिमिलरली यहाँ पे भी होता है एस टू थ्री अप टू टेन किंग क्वीन और जैक। ठीक है, तो ये आपको इतने जो है 13 हो गया ना, देखो 1 2 3 या 10, ये हो गया 10 3 13। तो ये किंग क्वीन जैक आप देख रहे हो, किंग क्वीन जैक देख रहे हो कि सब में है, इवन एस से ये पूरे के पूरे नेचर सब में है, मतलब एस टू थ्री फोर अप टू टेन एंड किंग क्वीन जैक सब में है। इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब क्या? तीन तरीके के फेस कार्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें? किंग होता है, उसमें क्वीन होता है, और उसमें क्या होता है? जैक होता है। किंग क्वीन और जैक, ये तीन फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यदि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात किया जाए तो कितने हो गए? 3 3 3 3 मतलब कितने हो गए? 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो सकते हैं दोस्तों? 12 हो सकते हैं। बाकी एस हैं, फिर अप टू 10 ये नंबर्स कार्ड होते हैं, इनको नंबर कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है कार्ड्स का क्लासिफिकेशन है कि कार्ड्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब कभी भी प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड आएगा देन इतने डेटा के बेस पे आप जो है आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, या इसका नोट्स बना लो, जैसे भी है जहाँ भी है लिखना है लिख लो। ये बहुत ही डिटेल मैंने आप सभी को बताया है कार्ड का क्लैरिफिकेशन कि कार्ड को कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका, चाहे कॉइन का सैम्पल स्पेस आप सभी को बनाना हो, या फिर आप सभी को सैम्पल स्पेस डाइस का बनाना हो, या फिर कार्ड्स का सैम्पल स्पेस बनाना हो। इस तरीके से आप सैम्पल स्पेस को ड्रा कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है प्रोबेबिलिटी में, और उसके बाद सैम्पल स्पेस बनाना, मूल रूप से कॉइन का, डाइस का और कार्ड्स का सैंपल स्पेस कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं दोस्तों, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड हम लोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज और नोट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो पहली बात दिमाग में आप सभी को रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ऑफ ई, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ऑफ ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे दोनों का मतलब आप समझो। जैसे मान लो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको फाइंड करनी है, जैसे मान लो मैं सिंपल ले लूँ अगर, तो मैं बोल दूँ कि भैया चलो मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस पे सिमिलर नंबर आते हैं, मतलब 1-1 आता है, 2-2 आता है, 3-3 आता है। तो इसके लिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, ये 6 नंबर्स आपके फेवर में हैं बिकॉज इनकी प्रोबेबिलिटी आप सभी को फाइंड करनी है। और टोटल कितने आते हैं यदि दो डाइस को आप फेंक रहे हो तो टोटल 36 आउटकम आते हैं। तो ऊपर लिखोगे 6, नीचे लिखोगे 36 और डिवाइड करके आप प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन कर सकते हो। किसके लिए? कि दोनों डाइस पर, दो डाइस को आप फेंक रहे हो और दोनों डाइस पर एक ही तरीके का नंबर जो है वो प्रेजेंट होता है, एक ही तरीके का नंबर आपको दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब यहाँ पे देखो, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट के हो जाने की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पी नॉट, पी के ऊपर बार लिख दोगे तो इसको बोलते हैं कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये एक बात दिमाग में आपको रखनी है। दूसरी बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 वेरी करती है।
कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है दोस्तों, 0 to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से अधिक हो सकती है, 1 या 1 से जो है वैल्यू वो कम हो सकती है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मतलब पहली बात ये, दूसरी बात ये रखनी है दिमाग में, तीसरी बात ये रखनी है कि प्रोबेबिलिटी के होने और मतलब किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ना होने की प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकाल पाओगे, 1 माइनस हो जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यदि हो जाने की प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है तो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी कर लो, या ना होने की प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है तो होने की चाहिए तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लो, यहाँ से आप सभी को आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये रिलेशन, एक ये रिलेशन दिमाग में आप सभी को रखना है। तो दोस्तों टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ओवरऑल फॉर्मूला यदि आप देखोगे तो एक ही फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि आपके फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कितना आउटकम है उसको आप डिवाइड कर दोगे फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से, देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया कि जैसे मान लो कि आपने 2 डाइस को थ्रो किया, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो किया और आपको चाहिए कि दोनों डाइस पे सेम नंबर प्रेजेंट हो तो फेवरेबल क्या होगा आपको, 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये फेवरेबल होगा। तो यदि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल कितना होता है 2 डाइस को फेंकने में, 36, देन यू विल गेट द आंसर 1/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस व्हाइल यू आर थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब आप 2 डाइस को एक ही साथ फेंकते हो दोनों डाइस पे एक ही नंबर ऑप्टेन करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अब दोनों डाइस पर एक ही नंबर ऑप्टेन न होने की प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालना चाहते हो, PE नॉट निकालना चाहते हो आप, ठीक है, PE नॉट, तो इसको क्या करोगे, 1 माइनस PE कर दोगे, 1 माइनस क्या कर दोगे, PE, बिकॉज PE प्लस PE नॉट की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1/6 कर दोगे एंड 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, ये आई होप 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 विल बी द आंसर कि दोनों डाइस पर सिमिलर नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी को ऑप्टेन कर सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल से आप सभी को समझाया, जब मैं डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि बोर्ड के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो मैं इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करूंगा और वहां पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं सेलेक्ट किया रहूंगा वहां पे अच्छे से इलेबरेट करूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी को कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी पे जो मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है, आपको लगता है कुछ छूट गया है या कुछ आप बात कहना चाहते हो तो दिल खोल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करूँ चैनल पर नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइमली पहुंच जाए। बाकी फिर दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।